जय सियाराम भक्तजनों, हम रविंद्र जैन ग्रुप के माध्यम से आप सभी भक्तजनों के लिए लेकर आए हैं सुनो श्री राम कहानी। ये रामायण पर आधारित एक एपिसोडिक सीरीज है जिसमें भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक और संभव हुआ तो साकेत गमन तक की कथा को रोचक, मनोरंजक और प्रामाणिक तथ्यों के साथ आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारी इस प्रस्तुति में संगीत भी है, भगवान का कीर्तन भी है और कथा के बीच बीच में श्री रामचरितमानस और रामायण सहित अन्य ग्रंथों के कुछ उदाहरण भी सम्मिलित हैं जो चौपाइयों या श्लोकों के रूप में हमारा यह पावन प्रयास जन जन के मन तक पहुंचे, हर व्यक्ति की भक्ति भावना प्रबल हो और विश्व का कल्याण हो, यही मंगल कामना है। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, रघुनंदन जय जय सिया राम, भगवान श्री हरि नारायण सारी सृष्टि का मूल आधार हैं। वही जब लीला रचने का विचार करते हैं तो अपने संकल्प से ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं, उसमें सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और एक निर्धारित समय पर सृष्टि का विलय भी कर देते हैं। परमेश्वर की यह लीला अनंत काल से चली आ रही है। इसी क्रम में एक बार संपूर्ण मानवता के जनक और जननी महाराज मनु और महारानी सतरूपा ने अपनी आयु के चौथेपन में ये विचार किया कि सांसारिक कर्म करते करते संपूर्ण आयु बीतने को है, अब ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए। तब उन्होंने भगवान श्री हरि नारायण की घोर तपस्या प्रारंभ की। हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान श्री हरि नारायण को उन दोनों के समक्ष उपस्थित होना पड़ा। भगवान के कहने पर उन दोनों ने भगवान के समान ही पुत्र प्राप्त होने का वरदान मांगा। भगवान ने हंसते हुए कहा, मेरे समान भला इस पूरी सृष्टि में दूसरा कौन है, अतः मैं स्वयं ही आप दोनों का पुत्र बनकर आपको अपने माता पिता होने का गौरव प्रदान करूंगा, साथ ही अपने समान ही दो और स्वरूपों को लेकर अवतरित होऊंगा। इन्हीं मनु और सतरूपा को दिए गए अपने वचनों को निभाने और रावण के अत्याचारों से धरती माता सहित देवी देवताओं, संतों, साधुओं, ब्राह्मणों, गौ माता और धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री हरि नारायण ने अवतार लेने का संकल्प किया और त्रेता युग में जब वही मनु और सतरूपा अयोध्या के महाराजा दशरथ और महारानी कौशल्या बनकर आए तो विष्णु भगवान ने इन्हीं महाराज दशरथ और कौशल्या के पुत्र राम रूप में जन्म लिया
साथ ही महाराज दशरथ की, अन्य दो रानियों कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में उत्पन्न हुए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता, मध्य दिवस अति शीतना घामा, प्रगटे अखिल लोक विश्रामा। वै प्रगट कृपाल दीन दयाल, कौशल्याहित कारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन घनुश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। श्री हरि नारायण के बाल रूप में प्रकट होते ही धरती सहित तीनों लोकों में परम आनंद छा गया। धराधाम से गगन तक उत्सवों की होड़ लग गई। अयोध्या सहित सारी धरती पर नर नारी झूम रहे हैं, गा रहे हैं और गगन में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। देवता पुष्प बरसा रहे हैं, गंधर्व गायन करके अपना आनंद प्रकट कर रहे हैं। अपने वंश में समस्त सृष्टि के आधार भगवान विष्णु का अवतार हुआ देखकर सूर्य भगवान जहां थे वहीं खड़े रह गए। अयोध्या के आसमान पर भगवान सूर्य विराजमान रहे, उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहा कि अस्ताचल की ओर भी जाना है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का प्रसंग एक महीने तक चलता रहा। रात्रि प्रतीक्षा में ही बैठी रही कि कब सूर्य भगवान अस्त होंगे, कब उसका आगमन होगा और कब वो भी भगवान श्री राम के दर्शन पाएंगे। एक महीने बीत जाने पर भगवान श्री राम के संकेत पर सूर्य देव भगवान अस्त हुए और रात्रि देवी का आगमन हुआ। उन्होंने भगवान से शिकायत करते हुए कहा, प्रभु आपने दर्शन देने में बहुत प्रतीक्षा करवाई। बाल रूप भगवान श्री राम ने रात्रि देवी से कहा, हे माता, आपको मैंने प्रतीक्षा कराई है तो उसका परिणाम भी दूंगा। आपके श्याम रंग से मैं अपना पूरा कलेवर सजाऊंगा और इस अवतार में अपना शरीर आपके ही रंग में रंग लूंगा। इस प्रकार रात्रि को दिए हुए वरदान के कारण भगवान श्री राम सांवले हो गए। इसी लीला के साथ एक और विलक्षण लीला हुई। दिन होने के कारण चंद्रदेव भगवान भी भगवान श्री राम के दर्शन के लिए उपस्थित ना हो सके। रात्रि के आगमन के साथ ही चंद्रदेव का भी आना हुआ और उन्होंने भी रात्रि माता की ही तरह भगवान श्री राम से शिकायत कर दी कि प्रभु मैं भी बहुत देर से प्रतीक्षा में खड़ा था कि कब सूर्य भगवान जाएं और कब मैं आकर आपके दर्शन करूं। प्रभु श्री राम ने कहा, हे चंद्रदेव, आप बिल्कुल निराश ना हो। मेरे लिए की गई प्रतीक्षा कभी भी निष्फल नहीं हो सकती। मैं आपको भी वरदान देता हूं कि आज से आप मेरे नाम में सजेंगे और
यह राम आज से राम नहीं रामचंद्र कहलाएगा। ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम। कुछ समय बाद सूर्य वंश के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी ने चारों कुमारों का नामकरण किया। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। प्रभु श्री राम के बाल रूप को देखने के लिए चारों वेद ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके दर्शनों को पधारे। ब्रह्मा जी ने इंद्र आदि देवताओं के साथ रामलला सरकार की वंदना करते हुए उनका दर्शन किया। भोलेनाथ भगवान शिव तो योगी का वेश बनाकर धराधाम पर उतर आए और अयोध्या की गलियों में घूमते हुए प्रभु श्री राम का यश गान करते हुए उनके दर्शन की कामना करने लगे। शिव जी का सहज ही विकराल स्वरूप मानवीय होने के पश्चात भी अति भयंकर दिखता था। बड़ी बड़ी लंबी जटाएं, शरीर पर भस्म का लेपन, कमर में लिपटी मृगछला, हाथ में त्रिशूल, ऐसे वेश में उन्हें दशरथ महल में प्रवेश ही ना मिला। इधर भगवान श्री हरि विष्णु बाल रूप में अपने परम प्रिय शिव जी को अपनी गलियों में घूमता हुआ देख रहे थे। दोनों मानसिक संवाद द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे, परंतु शारीरिक रूप से एक दूसरे का दर्शन संभव नहीं हो रहा था। तभी श्री रामलला सरकार ने एक अद्भुत लीला रचाई। वे बड़े जोर जोर से रोने लगे और लगातार रोते ही रहे। तभी भगवान की ही प्रेरणा से एक दासी ने आकर कौशल्या माता को बताया कि मैया, नगर में एक जोगी आया है जो बच्चों की झाड़ फूंक करता है, एक बार उसे दिखा दो, शायद रामलला का रोना बंद हो जाए। भगवान भोलेनाथ का जोगी रूप बनाना और बाल रूप रामलला सरकार का रोने का बहाना करना दोनों सफल हुआ। कौशल्या मैया रामलला के मोह में इस बात के लिए तैयार हो गई कि ठीक है, मैं उस औघड़ योगी के सामने अपने लाल को लेकर आऊंगी और झाड़ फूंक करवाऊंगी। और इस प्रकार एक दूसरे के स्वामी, सखा और सेवक हरि और हर अर्थात विष्णु भगवान और शिवजी अयोध्या के राजमहल में दशरथ जी के आंगन में एक दूसरे के आमने सामने आए। रोते हुए बालक रामलला को कौशल्या जी अपनी गोद में लेकर योगी बाबा के सामने बैठ गई और उनसे उन्होंने अनुनय विनय की कि झाड़ फूंक कर बालक का रोना बंद कराएं। फिर क्या था, दोनों अनन्य प्रेमी एक दूसरे को देखकर मगन हो गए। जोगी रूपी भगवान शिव अपने आराध्य रामलला सरकार को बाल रूप में देखकर भाव विभोर हो गए और बाल रूप रामलला सरकार भी अपने अनन्य प्रेमी भगवान भोलेनाथ को देखकर एकदम शांत चित्त हो गए। रोना बंद करके अपलक उन्हें निहारने लगे।
बालक रामलला का रोना बंद हुआ जानकर महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या की खुशी की सीमा ना रही। जोगी रूपी शिवजी पर वे तरह तरह के हीरे मोती माणिक लुटाने लगे, पर उन परम बैरागी भोलेनाथ को इन सांसारिक अलंकारों से क्या प्रयोजन। वे तो रामलला के दर्शन करके ही परम आनंद का अनुभव कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने प्रभु श्री रामलला का और प्रभु श्री रामलला ने भगवान भोलेनाथ का मानसिक अभिनंदन किया, एक दूसरे का स्वागत किया और एक दूसरे को देखकर दोनों परम संतुष्ट हुए। भक्तों के रक्षक, भक्तों के पालक, श्री सीतारामं सततं नमामि। संतों के त्राता, दुष्टों के घाता, श्री सीतारामं सततं नमामि। स्नेही जनों, सुनो श्री राम कहानी में ये थी हमारी आज की प्रस्तुति, जिसमें आपने भगवान श्री राम के जन्म से संबंधित कथा सुनी। हमारे अगले एपिसोड में हम भगवान श्री राम की कुछ और बाल लीलाओं को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। प्रभु श्री राम जी से जुड़ी ऐसी ही ढेर सारी सुनी अनसुनी कथाएं सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय सियाराम। सियाराम जय राम, जय जय राम। रघुनंदन जय जय सियाराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सियाराम जय 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 राम, सियाराम जय राम, जय जय राम। सियाराम जय राम, जय जय राम।